अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सरद अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेजेट। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज हम लोग ज्योमेट्री में एंगल एंड इट्स काइंड्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। कुछ एंगल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वर्टिकल, ऑल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन ये एंगल जो आज मैं डिस्कस कर रहे हैं कुछ अलग हैं। तो ये कौन से एंगल्स हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एंगल असल में होता क्या है। व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एंगल इज फॉर्म बिटवीन दीज टू रेज। यानी कि जब दो रेज जो है वो किसी कॉमन पॉइंट से जनरेट होती है तो उनके दरमियान जो डिग्री बनती है उसे एंगल कहा जाता है। रेज क्या चीज़ होती है ये मैं अपने फर्स्ट फंडामेंटल ज्योमेट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री के लिए डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके इसे ज़रूर देख सकते हैं। एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर विच इज कॉल्ड थीटा। ये साइन जो है थीटा की कहलाती है और ये एंगल का सिंबल है। लेकिन ये फिगर होती है बेटा एंगल की, एक रे है ओ ए और एक रे है ओ बी, ठीक है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज वो थीटा या फिर एंगल कहलाता है, नंबर वन। नंबर टू, एक और चीज़ हम लोग को समझनी होगी कि एंगल को बाज़ दफ़ा सिंगल लेटर से भी लिखा जाता है और बाज़ दफ़ा तीन लेटर से भी लिखा जाता है। यानी इस एंगल को मैं सिर्फ एंगल ओ बी कह सकता हूँ क्योंकि एंगल पॉइंट ओ पे बनता है, और इसमें ए ओ बी या बी ओ ए एंगल भी कह सकता हूँ, ठीक है, दोनों तरीके इसके सही हैं। तो दोनों दो के सूरतों के अंदर जहाँ एंगल बनेगा वो हमेशा मिडिल में आएगा, या हमेशा जहन में रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कि एंगल होता क्या। अच्छा, काइंड्स की तरफ हम आते हैं बेटा। काइंड ऑफ एंगल्स में फॉलोइंग आर द काइंड ऑफ एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट्स। मेजरमेंट के हिसाब से जो एंगल की काइंड्स होती हैं वो ये पांच काइंड है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर बेटा नजर आ रही होंगी। सबसे पहले आपके पास काइंड है दैट इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल, नंबर सेकंड इज राइट एंगल, नंबर थर्ड इज ऑब्ट्यूस एंगल, नंबर फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल एंड नंबर फिफ्थ इज रिफ्लेक्स एंगल। ये अपनी डिग्रीज की मेजरमेंट के हिसाब से इनके नाम चेंज है, तो इन्हें भी डिस्कस करते हैं कि क्या होती हैं ये। नंबर वन इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्रीज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। यानी कोई ऐसा एंगल हो जो 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि 1 से लेकर 89 डिग्री तक का कोई भी एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन में आता है। लाइट से देखें, मैंने 40 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया है, तो ये एक्यूट एंगल कहलाता है जो भी 90 डिग्री से लेस देन होगा। राइट एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी एक वर्टिकल लाइन रेज होंगी, दो वर्टिकल रेज होंगी दूसरे के ऊपर, तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ की जाएंगी जो 90 डिग्री का एंगल दूसरे के साथ बनाती हैं उन्हें राइट एंगल कहा जाता है। और उसकी फिगर देखिए कुछ इस तरीके से होती है कि ओ बी जो है वो बिल्कुल वर्टिकली लाई कर रही है, तो परपेंडिकुलर लाई कर रही है ओ ए के ऊपर, ठीक है, तो ये राइट एंगल कहलाता है। नंबर थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? An angle that measures greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle. कोई ऐसा एंगल हो जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 से छोटा हो, यानी 91 से लेकर 179 तक किसी भी डिग्री का कोई एंगल होगा वो obtuse एंगल की डेफिनेशन में आता है। जैसे कि इस फिगर में मैंने 120 डिग्री की एक फिगर आपके सामने, एक एंगल आपके सामने ड्रॉ किया, राइट। फोर्थ वन इज स्ट्रेट एंगल। एन एंगल दैट मेजर्स इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। एक ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री का हो वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। और देखिए स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है, आपको पता है एक जो डी होता है हाफ सर्कल होता है, सेमी सर्कल होता है, उसकी जो टोटल डिग्रीज होती हैं वो होती है 180 डिग्री तक। यानी अगर मैंने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया, काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4 करके, तो जब वो डी कम्प्लीट होगा, सेमी सर्कल कम्प्लीट होगा, तो यहाँ पर आगे 180 डिग्री कम्प्लीट हो जाती है। तो स्ट्रेट एंगल असल में एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, दो रेज अपोजिट रेज को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है और उसका टोटल डिग्री होती है दैट इज 180 डिग्री। ऐसे एंगल को जिस 180 डिग्री का ये स्ट्रेट लाइन था उसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, सिंपल वर्ड, राइट। द लास्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल दैट मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। यानी कोई ऐसा एंगल होगा जो 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, 181 से लेकर 359 तक किसी भी डिग्री का होगा वो रिफ्लेक्ट एंगल कहलाएगा। जैसे कि इस फिगर में आपको नजर आ रहा है मैंने 210 डिग्री का इसमें एंगल लिया, ठीक है, तो उसकी फिगर देखें कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो 180 है, तो 181, 182, ये आगे का जितना भी एंगल बनेगा, ठीक है, 180 से ग्रेटर, वो हमेशा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, राइट। अच्छा जी, ये कुछ और एंगल्स थे बेटा जो मैंने चाहा तरतीब बार आप लोगों के सामने रखूँ। तो कैसे लगी वीडियो, इस मुताबिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। चलो नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ भी याद रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।